बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनों हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुर्शिद इकबाल का पैगाम नौजवान नस्ल के नाम। बिलाशुबा नौजवान नस्ल किसी भी मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मुआशरे की तरक्की नौजवान नस्ल के किरदार पर मुनहसर होती है। अगर नौजवान नस्ल ख्वाब गफलत की नींद सो जाती है तो मुआशरे की तरक्की रुक जाती है, और अगर नौजवान नस्ल बेरा रवि का शिकार हो जाती है तो माशरे का उरूज जवाल में तब्दील हो जाता है। यही वजह है कि जब मुर्शिद इकबाल ने अपनी नौजवान नस्ल को यूरोप की अंधी तकलीद करते देखा तो फिर फरमाया, हुई नजाग में बुलंद परवाजी, खराब कर गई शहीं बच्चे को सोहबते जाग। हया नहीं है जमाने की आंख में बाकी, खुदा करे तेरी जवानी रहे बेदाग। मुर्शिद इकबाल फरमाते हैं कि कव्वे में तो शाहीन की सिफत पैदा नहीं हो सकती थी, लेकिन जब से हमारे नौजवानों ने यूरोप की अंधी तकलीद शुरू की है उसके नतीजे में हमारा मुआशरा बेरा रवि का शिकार हो चुका है। हमारे मुआशरे से अखलाकी अकदार ख़त्म हो रही हैं और दिन ब दिन सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मुआशरे के अंदर मजमू तौर पर शर्मो हया ख़त्म हो चुकी है। हया जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में हया नहीं है वो जो मर्जी चाहे करे, यानी उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हया उस कल्बी कैफियत का नाम है जो इंसान में इस तरीके से पैदा होती है कि इंसान अल्लाह ताला की तरफ से नापसंदीदा आमाल को छोड़ देता है और पसंदीदा आमाल को बजा लाता है, और वो उसको करने में खुशी और तस्कीन महसूस करता है। जब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है तो फिर मुर्शिद इकबाल फरमाते हैं, खुदा करे तेरी जवानी रहे बेदाग, कि अब तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की जा सकती है कि आप इस बेरारवी के दौर के अंदर, इस गए गुजरे दौर के अंदर, इस यूरोप की अंधी तकलीद वाले दौर के अंदर अपनी जवानी को बचा सकें और अल्लाह ताला की बारगाह में सुरहरू हो सकें। आज जरूरत इस अमर की है कि नौजवानों को बेरारवी के इस सफर से रुकना होगा, रुक कर सोचना और समझना होगा और वापस पलटना होगा अपने असल की तरफ, अपनी नेचर की तरफ, अपने दीन की तरफ, अपने इस्लाम की तरफ, अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत की तरफ। फिर जब हम ऐसा करते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत को अपनाते हैं, और फिर मुर्शिद इकबाल का ये एहसास, जवानों को मेरी आह सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। फिर जब हम इकबाल के इस नूरे बसीरत को अपने अंदर समो लेते हैं, अपने आप को इस मुकाम पर ले जाते हैं, तो मुर्शिद इकबाल ये याद दिलाते हैं, जिस सिमत भी चाहे सिफते सैले रवा चल, वादी ये हमारी है सहरा भी हमारा, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नौजवान नस्ल को मुर्शिद इकबाल के इस पैगाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।